नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अथर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, क्या सीखा था कि वर्ग कैसे निकाला जाए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाए सेकंड्स में। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, ये कुछ नंबर दे देगा, पूछ लेगा ये बताओ किसका वर्ग, आपसे पूछ लेगा कि 144 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो आप सब जानते हैं कि सर 12 का जब वर्ग करेंगे तो 144 निकल के आएगा, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए अगर बड़ा नंबर आ जाए 12 0 6 इस तरह से कोई नंबर आ जाए और पूछ लिया जाए बताओ ये किसका वर्ग है, तो कैसे नंबर किया जाएगा। चलिए आइएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो पिछली क्लास में हमने देखा था उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ और चीजें सीख भी जाएंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ बताओ दोस्तों कि 53 का वर्ग निकाल के बताओ, 53 का वर्ग निकाल के बताओ। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि मैं आपसे बोलूं कि 11 का वर्ग निकालो फटाक से, तो आप कहेंगे 1:1 होता है सर 11 का वर्ग। मैं आपसे बोलूं 21 का वर्ग निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे 21 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 0 1, यहाँ क्रॉस लगाएंगे 2 एकम 2 2 2 4, यानी 4 4 1 आपका आंसर आएगा। आपने देखा कि 11 का जब इकाई का अंक 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 आया, आपने यहाँ देखा इकाई का अंक 1 है तो 1 आया, यानी किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर 1 होगा तो इकाई का अंक अगर 1 होगा तो उसके वर्ग करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा दोस्त। ऐसे ही अगर इकाई का अंक अगर 2 होगा तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। देखते हैं कैसे, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका आखिरी अंक 2, तो मैं ले लेता हूं जिसका आखिरी अंक 2 हो 52 हो गया। 52 का जब आप वर्ग करोगे ना तो डेफिनेटली 100% जब आप करोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूं आपको, 5 का किया 55 25, 2 का किया 0 4, यहां कांटा लगा देंगे तो फिर जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ के तो लिखेंगे दोस्त, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, वैसे का वैसे 4 आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी भी ऐसे नंबर का वर्ग करेंगे, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे जिसका इकाई का अंक अगर 3 है, जैसे मैं 53 ले लूं, इकाई का अंक अगर 3 है उसका वर्ग करोगे ना तो जो भी रिजल्ट आएगा डेफिनेटली उसका इकाई का अंक क्या होगा पता है, 9 होगा, उसका इकाई का अंक डेफिनेटली 9 होगा। 3 का वर्ग करेंगे इकाई का अंक 9 होगा। ऐसे 4 अगर होगा और उसका वर्ग कर दे तो इकाई का अंक 6 होगा। ऐसे 5 के में 25 5 होगा, 6 के में क्या होगा 36 6 होगा, 7 के में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 के में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 10 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके इकाई के अंक काम करते हैं। तो यहां से हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे कि किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो एक बार जो मैंने बात बताई थी उसको दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, व्यवस्थित क्रम में लिख के बता देता हूं। कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई का अंक अगर 1 है, उस नंबर का वर्ग करते हो, उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो आप जानते हैं ऐसा करने पर 100% 1 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो 1 ही निकलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह कि 1 के साथ साथ ही 9 भी वही नंबर है, 9 भी वही नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक अगर 9 है, उस नंबर का अगर आप वर्ग करते हो तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा 1 ही आएगा, या फिर अगर आप बोले तो मैं करके बता दूं, जैसे 19 का वर्ग कर लो, आप 19 का वर्ग कर लो, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 9 का वर्ग करोगे 9 9 81 आएगा, यहां कांटा लगाते हैं आप जानते हैं, तो ये 1 का 1 ही तो आ जाएगा उत्तर के, सेम आ जाएगा। एक कहानी तो मैंने आपको ये बताई, आते हैं दूसरी कहानी। एक के बाद में हम आते हैं कोई ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक अगर 2 है, उसका अगर आप वर्ग करते हो तो 110% इकाई का अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 2 के साथ कोई और नंबर भी है, 2 के साथ कोई और नंबर भी है दोस्त जिसका इकाई का अंक 4 आता है, तो 2 के साथ 8 होगा, देखो 1 के साथ 9 था, 2 के साथ 8 हो जाएगा जिसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है सर, बात आई समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई का अंक 3 है, उसका अगर आप वर्ग करते हो, और ऐसा ही कोई नंबर जिसका इकाई का अंक अगर 7 है, उसका वर्ग करते हो, तो इन दोनों का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा पता है, तो 3 3 9, यानी इकाई का इकाई अंक हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा से इन बातों को रिपीट कर दूंगा। आज हम जो तरीका सीख रहे हैं भयानक तरीका होगा, आज तक आपने इस तरह का स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आइए 3 के बाद में
ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका आखिरी अंक 4 है, या फिर ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका आखिरी अंक 4 और 6 10, यानी ऐसा कोई भी नंबर ले लो जिसका इकाई का अंक 4 है या फिर इकाई का अंक 6 है, इन दोनों का वर्ग करते हो तो देखो 3 का किया या फिर 7 का करो, 3 का या 7 का करोगे तो 9 आएगा, 4 का या 6 का करोगे तो भी 6 आएगा, 4 और 6 का करोगे ना तो 6 आएगा। अब बचते हैं हमारे पास, अब बचते हैं हमारे पास 5। ऐसा कोई भी नंबर आखिरी में अगर 5 है तो डेफिनेटली आखिरी के दो अंक 25 होंगे। ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई 0 है और उसका वर्ग करते हो तो डेफिनेटली आखिरी दो अंक 0। ये बात है आपको बताया, क्या बताया, एक कोई भी नंबर लो उसका वर्ग, जिसका इकाई अंक 1 है उसका वर्ग करोगे ना तो आखिरी में आपको 1 मिलेगा, या फिर 9, देखो इन दोनों का जोड़ 10 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ 10 आ रहा है, समझ में, इन दोनों का जोड़ भी 10 आ रहा है, 8 और 2 10, इन दोनों का जोड़ भी 10 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ भी 10 आ रहा है, समझ गए नहीं समझे, तो उसी तरह से 5, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है, 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, 0 का वर्ग करोगे तो डबल 0 आएगा, देखो 5 का वर्ग किया 25 आएगा, 0 का वर्ग किया डबल 0 आएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा कंसेप्ट, यहां से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्या बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर एक इकाई का अंक 1 है उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, इकाई का 2 है या फिर 8 है इन दोनों का अगर वर्ग करते हो ना 4 आएगा, और 3 और 7 दोनों का करते हो तो भी 9 आएगा, 4 या 6 में से किसी का वर्ग करते हो तो 6 आएगा, 5 का वर्ग करते हो 25 आएगा, 0 का वर्ग करते हो डबल 0 आएगा। ये आपका कंसेप्ट होगा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा उठा के साइड में रख देता हूं और फिर आपके लिए कुछ सवाल लेता हूं। ये मैंने यहां रख दिया है ताकि हम यहां से देख सके चीजें, अभी आप सीख रहे हैं, बिल्कुल ये कोशिश मत कीजिए कि याद कैसे रहेगा, बिल्कुल 100% याद रह जाएगा दोस्तों, अभी आप सीख रहे हैं और सीखते समय चीजें मुश्किल लगती है, ये मैं जानता हूं हर किसी के साथ होता है, आप अकेले नहीं है जिसको ये चीजें मुश्किल लग रही है, हर किसी को मुश्किल लगती है, लेकिन ये है कि जैसी क्लास एंड होगी वहां तक आप 110% चीजें सीख चुके होंगे, अभी बस धैर्य बना के रखिए और देखते रहिए चीजों। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताओ सर 36 का स्क्वायर क्या होता है, ये चीजें कल तक सीखी, 3 3 9 और 6 6 36, यहां काटा लगाएंगे 6 3 18 6 9 और 12 12 96। लेकिन सवाल में क्या देगा पता है, सवाल में ये देगा, आपसे बोल देगा कि 12 96 किसका वर्ग होता है ये बता, 12 96 किसका वर्ग होता है ये आपसे जानना चाहेगा, 12 96 किसका वर्ग होता है ये आपसे जानना चाहिए। तो हम अभी सीखे हैं दोस्त। अच्छा क्या करो, अब इसका वर्गमूल निकालना चाहते हो ना, तो दो अंक छोड़ के पीछे से दो अंक छोड़ के ऐसे काटे लगा दिए। अब आप सोचो क्या किसी नंबर का वर्ग किया और आखिरी अंक 6 आया, किसी नंबर का वर्ग किया और आखिरी अंक 6 आया, 6 का बात है, या तो 4 का वर्ग किया होगा या 6 का वर्ग किया होगा, या तो आखिरी का अंक उसका 4 रहा होगा या फिर उसका आखिरी अंक क्या रहा होगा 6 रहा होगा, तभी तो 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है सर। अब एक काम करो, ऐसा वर्ग ढूंढो जो 12 से छोटा हो, 1 का वर्ग करता हूं 1 आएगा, 2 का वर्ग करता हूं 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करता हूं 16, अभी इससे बड़ा निकल गया, बड़ा नहीं आना है इससे छोटे रहना, 4 का वर्ग 16 नहीं ले सकते, यानी 9 ले सकते, सॉरी 3 ले सकते, तो 3 3 9 छोटा है सर, 3 यहां भी रखेंगे और 3 यहां भी रखेंगे। देखो पहला सवाल नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेना, दूसरा नहीं आया टेंशन नहीं लेना, तीसरा नहीं आया टेंशन नहीं लेना, चौथा नहीं आया टेंशन नहीं लेना, लेकिन पांचवें सवाल पे मैं आपको वादा नहीं दावा करता हूं कि आप सही सीख चुके हो, ठीक है। 5 सवालों तक आप धैर्य बनाए रखिए। अब या तो 34 का वर्ग होगा या 36 का वर्ग होगा, अब देखना कैसे, तो सर 3 उठाया, 3 का ठीक आगे वाला नंबर क्या होता है, 3 का ठीक आगे वाला नंबर 4 होता है, 4 में 3 का गुणा करो 12 आएगा, 4 में 3 का गुणा करोगे 12 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 12 और ये दोनों 12 इस 12 से ये 12 बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों बराबर, बराबर यानी बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 34 आपका गलत हो जाएगा। मैं जानता हूं ये बात समझ में नहीं आई है, कईयों को नहीं आई है, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि जो धैर्य बना के रखेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ऐसे हवा में तीर नहीं मारने, सिलेक्शन चाहिए तो पेशेंस तो बहुत जरूरी दोस्तों, बिना धैर्य के काम नहीं होगा। देखिए कुछ और लेता हूं मैं आपके सामने, ले लूं कितना ले लूं, मैं आपसे बोल दूं कि बताओ ये जो बताइए
1225 किसका वर्ग होता है, 1225 किसका वर्ग होता है, तो कुछ नहीं करेंगे पीछे से ऐसे कांटा लगा देंगे, दो अंक छोड़ के पीछे से कांटा लगा देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप देखो किसी नंबर का वर्ग किया है और आखिरी अंक 5 आया, किस नंबर का वर्ग करते हैं जब आखिरी अंक 5 आता है, किस नंबर का वर्ग करते हैं जब आखिरी अंक 5 आता है, तो आप कहेंगे सर कि 5 का वर्ग करते हैं ना तभी तो आखिरी अंक 5 आता है, यानी यहां डेफिनेटली 5 का होगा, डेफिनेटली 5 का होगा। आप क्या करो, इस 12 को देखो, इस 12 से छोटा स्क्वायर नंबर लो, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं बस, 2 तो केस ही नहीं बने, यानी 35 का वर्ग होगा दोस्तों, इसका वर्ग होगा 35 का वर्ग, कोई बात नहीं टेंशन मत लो। दूसरा लेते हैं, कैसे, मैं अब आपसे बोलूं कि आप 37 का वर्ग निकाल के बताओ, 37 का वर्ग निकाल के बताओ, तो 37 का वर्ग निकालेंगे 3 × 3 = 9, 7 × 7 = 49, ठीक है, यहाँ काटा लगा देंगे, 7 × 21 = 21, 42 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 6 और 13, यहाँ लिख देंगे 13 × 69 आप लिख देंगे इस चीज को, 13 × 69 लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा बताओ 13 × 69 जो होता है किसका वर्ग होता है बाबू, आपका जवाब होना चाहिए सर 37 का वर्ग होता है, याद है तो जवाब दे देंगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे इसको उठाएंगे यहां से और यहां रखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, यहां से ऐसे करके काटा लगा देंगे। अब आप देखो किस नंबर का वर्ग करें कि आखिरी में 9 आए, किस नंबर का वर्ग करें कि आखिरी में 9 आए, तो आपका जवाब होगा कि 9 कब कब आता है, तो 9 आता है सर, 9 आता है या तो 3 का वर्ग करो या 7 का वर्ग करो, या तो 3 का करो या 7 का करो, या तो 3 का करो या 7 का करो। अब 13 से छोटा एक नंबर देखो, 13 से छोटा 9 16 13 छोटा है ना, तो ये यहां तक जाएगा, 3 × 9 तक जाएगा, तो या तो 33 का होगा या 37, या तो 33 का होगा या 37 का होगा, अभी हमने देखा था 37 का है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, इस 3 को पकड़ो, इस 3 को पकड़ो और 3 से 1 ज्यादा यानी 4, 3 से 1 ज्यादा यानी 4 × 3 = 12, 12 से देखो ये छोटा है कि बड़ा है, 12 से ये 13 बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे 12 से तो बड़ा है, यानी बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, छोटा वाला गलत। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही, और लेते हैं सर एक सवाल, पहले हम वर्ग निकालते हैं उसके बाद नहीं फिर चीजों को समझते हैं। ये बताओ, ये बताओ इसका वर्ग निकालेंगे तो आप कहेंगे 55 25 और 6 6 36, ठीक है, यहां कर दो कांटा, 6 5 30 30 × 60, सबको जोड़ेंगे 6 3 1 3 यानी 31 36, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताओ किसका वर्ग है, तो आप कुछ नहीं करेंगे यहां कांटा लगा देंगे, लगा दोगे कांटा। अब 6 देखो किसके आखिरी में 6 आता है, किसका वर्ग करोगे 6 आता है, तो आप कहेंगे या तो 3 का करो, सॉरी या तो 4 का करो या 6 का करो, या तो 4 का करो या 6 का, या तो 4 का या 6 का, अभी 31 लिखा, अभी 31 लिखा, 31 से छोटा, 31 से ज्यादा नहीं आना है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 × 16 होता है, 55 25 होता है, 6 6 36, यहां तक जाना ही नहीं है, 6 6 36 तक जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक रहना है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, या तो 54 का रहा होगा या फिर 56 का रहा होगा, या तो 54 का रहा होगा या फिर 56 का रहा होगा। आप क्या करेंगे, इस 5 को पकड़ेंगे और 5 का गुणा कर देंगे ठीक आगे वाले नंबर यानी 6 से, 6 5 = 30, अब इस 30 से बड़ा है कि छोटा है, 30 से ये वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे बड़ा है, बड़ा है मतलब छोटा वाला उत्तर नहीं होगा, 56 आपका आंसर हो जाएगा, क्या यही था अपना। आगे लेते हैं कुछ और सवाल, अब मुझे 72 का बताइए दोस्तों, 72 किसका, 72 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे 7 × 7 = 49, 2 × 4 = 04, ये कल तक करा चुका था ये वाली प्रैक्टिस, आज मैं वर्ग गुण निकालना सिखा रहा हूँ, 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 28, तो 4 8 1 5, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा दोस्त, एग्जामिनर ये पूछेगा बताओ बताओ 51 84 किसका वर्ग होता है, तो 51 84 किसका वर्ग होता है जानते हैं, सीखते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ 4 अंकों के देगा, वो 6 अंक 7 अंक कुछ भी दे सकता है, तो इसीलिए धैर्य बनाए रखे और सीखते रहे। मैं जानता हूं आपको हो सकता है कईयों को आती होगी ये चीजें, लेकिन आपको वो नहीं आएगी जो मैं आगे जाके सिखाने वाला हूं, इसीलिए पेशेंस बना रहे, धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेक्शन के लिए। अब ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करूं तो 4 आए, सर 2 का वर्ग करते हैं तो भी आता है, 2 का करते हैं तो भी आता है, और 8 का करते हैं तो भी आता है, 2 और 8 दोनों का 10 सम जो होता है वो 10 होता है, या तो 2 का रहा हो या 8 का रहा हो। अब यहां देखो छोटा देखना है, 55 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64,
अठी 64 ज्यादा निकल गए, सत्तु सत्तु 49, हाँ सर सत्तु सत्तु 49 तक रहेगा, यानी 64 नहीं होगा, 7 का रहेगा, या तो 72 का होगा या 78 का होगा। तो अब करते हैं 72 का एक नंबर आगे होगा 8 से, तो सत्तु अठू 56, 56 से बड़ा है कि छोटा है, 56 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे छुटका है, 56 से छुटका है, तो छुटका है तो छुटका आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा का नहीं होगा, ठीक है, बड़ा वाला आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। यही बात समझ में आ रही है आपको? एक सवाल और देता हूं ताकि आपके जो भी डाउट हो वो खत्म हो जाए। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख देता हूं, सैतीस का निकाल चुके थे ना, 36 का निकाल चुके थे, 38 का निकालते, 38 का निकालते, 38 का वर्ग निकाल दो। तो आप वर्ग जब निकालोगे ना तो 3 3 9 8 8 64 क्रॉस लगा देंगे, समझ रहे हो? ये बात कल तक बता चुका था मैं यार, 8 3 24 24 2 48 होता है, तो 4 4 9 5 14 का 4, यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, ये सब मिटा देगा और फिर पूछेगा बताओ भाई, बताओ ये किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बोल देंगे दीपक सर से पढ़े, बिल्कुल 100% बता देंगे, क्या करें आप बताओ, बताओ कि 4 किसका वर्ग करो कि इकाई का अंक 4 है, तो 2 का कर सकते हैं सर, और 2 में क्या जोड़े कि 10 आए, 2 में 8 जोड़ दो, यानी 2 का 8, 2 का या फिर 8 का हो सकता है। अब यहां देखते हैं, 3 3 9 4 4 16, 4 तो बड़ा होगा यानी 3 ही आएगा, या तो 32 का होगा या 38 का होगा, या तो 32 का होगा या 38 का होगा, तो 3 को पकड़ो और एक आगे वाले से गुणा करो, एक आगे वाले यानी 3 का आगे वाला 4, 4 से गुणा करेंगे 12, 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे ये तो बड़का है, ये तो बड़ा है, तो बड़ा वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, छोटा वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ वेरी गुड डे, भगवान आप सबको खुश रखें।